हेलो स्टूडेंट, आज हम डिमांड एनालिसिस में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इट्स रेफर टू सिंगल कंज्यूमर्स डिमांड। ठीक है, कोई सिंगल बंदा है जो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपनी टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट के अकॉर्डिंग मार्केट से कुछ कमोडिटी परचेस कर रहा है इंडिविजुअली, देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड किसकी रहेगी? सिंगल कंज्यूमर की। एक ही कंज्यूमर अगर कोई कमोडिटी की डिमांड कर रहा है विद द रिलेवेंट प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, एक ही बंदा जब वो डिमांड करता है तो उसका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर कैसे आएगा वो समझते हैं। फिर अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो टोटल मार्केट में, मार्केट में जितने भी कस्टमर्स आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, टोटल कंजम्पशन करते हैं विद डिफरेंट प्राइसेस, then it is called market demand schedule। ठीक है, market demand schedule और market demand curve ये भी explain हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं individual demand schedule। इसमें क्या दिया है? Suppose एक consumer है, single consumer, वो क्या करता है? Price of commodity के according commodity की quantity demand करता है per kg। तो suppose price, जब market में price 1 rupees है, तो वो quantity देखो 50 units का, 50 kg करता है। जब price बढ़ रही है, प्राइस गोस टू 2, क्वांटिटी रिड्यूस 50 to 40। जब प्राइस बढ़ती है, जब कोई भी कमोडिटी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होने लगती है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप बताई है वो इनवर्स रिलेशनशिप बताई है। यानी प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे डिमांड कम होते जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शेड्यूल में, प्राइस जब 1 रुपये है तो 50 kg यूनिट्स की डिमांड हो रही है, फिर प्राइस 2 रुपये है तो 40 केजी की डिमांड हो रही है, प्राइस और बढ़ गई 3 रुपीज हो गई है तो क्वांटिटी देखो 30 यूनिट्स हो गई है, प्राइस 44 है तो 20 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी डिमांड हो रहे हैं। एंड जब प्राइस 5 है, हाईएस्ट प्राइस है, सबसे ज्यादा प्राइस है, तो क्वांटिटी देखो सबसे कम केजी में डिमांड की जा रही है 10। यानी जब प्राइस सबसे लोवेस्ट है तो क्वांटिटी देखो केजी में सबसे ज्यादा हो रही है। यानी प्राइस जब कम होती है किसी भी कमोडिटी की तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, और जब प्राइस हाई होती है तो उसकी डिमांड कम की जाती है। ये इंडिविजुअली किसी भी सिंगल कंज्यूमर का नेचर होता है। जब प्राइस ज्यादा है तो कम क्वांटिटी परचेस किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, और प्राइस जब कम होती है तो हाई क्वांटिटी डिमांडेड की जाती है। अगर इसी का डिमांड शेड्यूल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें देखो कैसे आएगा डिमांड शेड्यूल। हमने क्या किया, ए एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी दिखा दी है और ए वाई एक्सिस पे हमने प्राइस दिखाया है। अभी देखो यहाँ पे जब प्राइस 1 रुपीज है तो 50 क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितना आ रहा है, 40 क्वांटिटी आ रहा है। जब प्राइस 3 है तो 30 क्वांटिटी पे पॉइंट प्लॉटेड आएगा। जब प्राइस 40 है तो 20 क्वांटिटी, और जब प्राइस 5 है तो 10 क्वांटिटी आ रहा है। तो अभी अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो देखो डाउनवर्ड आ रहा है डिमांड का, कैसे आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, जब प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जा रही है क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम कम होते जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है। तो ये कैसे आ रही है, स्टीपर की तरह आ रहा है। डिमांड पर कैसे आ रहा है, स्टीपर आ रहा है। तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम समझते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर, जितने भी मार्केट में टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर है कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, उनका एनालिसिस हम करते हैं। यहाँ पे भी सेम प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 दिखाई गई है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर है, जैसे कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है, कंज्यूमर सी है। अगर ये इंडिविजुअली अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कंज्यूमर पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिमांड कर रहा है, तो सबकी डिमांड थोड़ी ना थोड़ी डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन साइज। मार्केट में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी वो कमोडिटी वेरियस क्वांटिटी में परचेस करते हैं। तो सपोज जब 1 rupees प्राइस है तो कंज्यूमर ये 50 क्वांटिटी परचेस कर रहा है, तो बी की क्वांटिटी देखो 60 है, सी की कितना है 70। अगर ये तीनों की टोटल कर दे, मान लो एक मार्केट में 3 कस्टमर आ रहे हैं तो परचेस करने, अगर तीनों की टोटल कर दे तो कितना आ रहा है 180 केजी। यानी मार्केट डिमांड कितनी हो गई, 180 केजी।
फिर जब प्राइस ₹2 है तो यहाँ पे देखो 40 यूनिट्स परचेस किए जा रहे हैं, 50 यूनिट परचेस किए जा रहे हैं, यहाँ पे 60 यूनिट। अब जब प्राइस ₹2 है तो देखो क्वांटिटी कम परचेस हो रही है थोड़ी, तो 150 केजी मार्केट डिमांड कितनी है 150 केजी। फिर प्राइस बढ़ गई 30, फिर क्वांटिटी देखो 30 40 50, यानी तीनों की क्वांटिटी क्या हो रही है कम हो रही है, तो यहाँ पे मार्केट डिमांड कितना आ रहा है 120 केजी। जब प्राइस ₹4 है तो 20 30 40 यानी मार्केट डिमांड कितनी आ रही है 90 केजी की आ रही है। फिर प्राइस ₹5 है तो देखो सबसे कम क्वांटिटी परचेस की जा रही है 10 20 30, अब देखो मार्केट डिमांड कितनी है 60। जब प्राइस लोवेस्ट है तो क्वांटिटी देखो मार्केट डिमांड कितनी है हाईएस्ट है 180, और जब प्राइस 5 है तो मार्केट डिमांड कितनी है लोवेस्ट है 60 केजी। यही अगर हम ग्राफिकली भी शो करें तो डिमांड कर देखो यहाँ पे भी आपको स्टीफर नजर आए फ्लैटर नजर आएगा, तो देखो प्राइस जब 1 है तो कितना है 180 केजी है, जब प्राइस 2 है तो 150 केजी की आ रही है, जब प्राइस 3 है तो 120 केजी की आ रही है, जब प्राइस 4 है तो 90 केजी की आ रही है, जब प्राइस 60 है तो 5 यूनिट्स की। यहाँ पे भी देखो इसका जो है वो फ्लैटर आ रहा है और इसका जो है स्टीपर कर आ रहा है, तो क्या हो रहा है डिमांड पर स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाएंगी रिड्यूस होती जाएंगी कम होती जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कौन सी रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो सिंगल कंज्यूमर का होता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है, ये नैरो कंसेप्ट है ठीक है, इसका जो डेटा है वो सिंगल सिंगल कंज्यूमर की स्टडी करने में काम में आता है, जैसे उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी चेंज हो सकती है, टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड चेंज हो सकती है, लाइक डिसलाइक है गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो इसका भी इफेक्ट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड पे पड़ता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल ये जो है ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें हमें टोटल मार्केट की कंसेप्ट पता चलते हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको एग्रीगेटली स्टडी की जाती है, लार्ज क्वांटिटी में हमें डेटा मिल जाता है मार्केट सर्वे करने के लिए, इसमें भी कंज्यूमर की टेस्ट हैबिट फैशन ही देखी जाती है, प्राइस डिफरेंस देखा जाता है, कंज्यूमर की इनकम देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी डिमांड डिटरमाइन की जाती है। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है तो एक कस्टमर की डिमांड एनालिसिस की जाती है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल है तो इसमें जितने भी टोटल मार्केट में कंज्यूमर आ रहे हैं पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड कर रहे हैं तो वेरियस क्वांटिटी वो डिमांड करते हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड जो वेरी होती रहती है चेंज होती रहती है, तो ऐसा ये डिमांड शेड्यूल आप समझ पाएंगे। थैंक यू।